दोस्तों साउथ के सुपरस्टार रामचरण तेजा कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जो आज तक पहले कभी नहीं हुआ है और ना ही कभी हो सकता है, क्योंकि ऐसा सिर्फ रामचरण ही कर सकते हैं और कोई तो ये कर ही नहीं सकता। देखिए आजकल रामचरण का एक नया लुक बाहर आ रहा है और सोशल मीडिया पर काफी ट्रेंड भी कर रहा है, जिसमें रामचरण एक ब्लैक कुर्ता, ब्लैक पजामा और नंगे पैर में हर जगह दिखाई देते हैं। और ऐसा इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि रामचरण व्रत करते हैं अयप्पा स्वामी जी का, और जो भी अयप्पा स्वामी जी का व्रत करता है उसको ब्लैक कपड़ों में और नंगे पैर ही रहना पड़ता है। जैसे कि हम सब जानते ही हैं कि रामचरण शिव जी के कितने बड़े भक्त हैं, लेकिन वो अयप्पा स्वामी जी का भी व्रत हर बार रखते हैं और पूरे विधि द्वारा करते हैं। और मैं आपको बता दूं, अयप्पा स्वामी जी का ये व्रत काफी दिनों तक चलता है और जब तक ये व्रत चलता है रामचरण नंगे पैर ही रहते हैं और कपड़ों में काले कुर्ते पजामे ही पहनते हैं एक काले गमछे के साथ। तो भैया जैसे आप सबको पता है कि RRR मूवी ऑस्कर अवार्ड के लिए नॉमिनेट हुई है और अब इसी हफ्ते ऑस्कर अवार्ड स्टार्ट हो रहे हैं, इसके लिए रामचरण अब नंगे पैर ही पहुंच गए हैं अमेरिका ऑस्कर अवार्ड के लिए। और जहां एक तरफ बॉलीवुड और हॉलीवुड के बड़े बड़े कलाकार आपको टैक्सीडो सूट में और अच्छे अच्छे जूतों में दिखाई देंगे, तो वहीं पर आपको रामचरण रेड कारपेट पर नंगे पैर चलते हुए दिखाई देंगे। और मैं आपको बता दूं कि इससे पहले ऑस्कर अवार्ड के इवेंट में ऐसा कभी नहीं हुआ है कि कोई ऑस्कर अवार्ड में अवार्ड लेने के लिए नंगे पैर पहुंचा हो। रामचरण ऐसा करने वाले पहले भारतीय होंगे। इस बात से जहां कुछ लोग खुश हैं कि रामचरण अपने भारत के कल्चर को इतना प्रमोट करते हैं विदेशों में भी, वहीं कुछ लोग इस बात से नाराज हैं कि ये हमारे भारत को गरीब दिखाने की कोशिश की जा रही है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों इस पर आपकी क्या राय है? क्या नंगे पैर ऑस्कर में जाना क्योंकि अयप्पा स्वामी जी का व्रत है ये सही है या गलत, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को करना सब्सक्राइब। मैं आपसे मिलता हूं बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद।